Hey guys, this is Frankly Sakshi. Welcome back to my YouTube channel. मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यार। अरे यार मम्मी गई तो गई हो, पूरा पर्दा खराब कर दिया यार। हे गाइस, दिस इज फ्रैंकली साक्षी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आजकल मैं ब्लॉग बहुत ज्यादा देख रही हूँ जिसमें लोग बेचारे फ्रंट कैमरे को बहुत ज्यादा ही मारते हैं, तो और उनके व्यूज जा रहे हैं 30-30 लाख तक। तो मैंने सोचा कि इस ट्रेंड को मैं भी फॉलो करती हूँ, तो मेरे शायद 3 लाख नहीं लेकिन 3000 तक व्यूज चले जाएंगे, तो मुझे ही खुशी होगी। तो मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करने वाली हूँ, तो 1 2 3 स्टार्ट। आज मैं करने वाली हूँ ब्लॉगिंग। आज मैंने 2-3 ब्लॉगर्स के मतलब वीडियोस देखे थे, जिसमें मेरे को उनकी एक वीडियो बहुत अच्छी लगी। सब मैं एक कि वो एक दिन में लुक्स मतलब बार बार चेंज करते हैं और हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, वो एक एक घंटे में करते हैं, मैं 7 दिन तक नहीं मालूम है तेरे बाप को। मैं चल को एडिट कर दिया। मुझे जाना है। सो कहां थे अपन? ड्रेस पे। सो गाइस, मतलब मैंने ब्लॉग्स देखे, वीडियोस देखी लोगों की, तो मेरे को सनक चढ़ गई उनसे। आता माची सनक ली, चटक ली होता है वो, जो भी है, पर मेरी सनक ली, क्योंकि आज के दिन मैं एक एक घंटे में कपड़े चेंज करूंगी। मैं भी 10-10 जोड़ी पहनूंगी। वैसे आपको पता है मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े नहीं है। आपको पता है मैं कितनी गरीब हूँ? नहीं पर कोई ना, अभी 2-3 कपड़े हैं, उनको ही ट्राई करते हैं। सो गाइस, मेरी सिस्टर खाना खाने गई है और मैंने कैमरा उठा लिया है। अब मैं क्या करूँ? अबे साले, अबे लीपा पोती कर ले। लीपा पोती? अरे हाँ, मुझको तो मेकअप करना है। म्यूजिक। सो गाइस, मेरी लीपा पोती हो चुकी है। वैसे आप लोगों को बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे से सीखा है और अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। आई थिंक इस बार मैंने बेटर किया हो। म्यूजिक। भाई 100 के 2 लगाए तो ले लें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। So guys, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, बट तो क्या होगा, इट्स माई प्रॉपर्टी, तो मैं पहन सकती हूँ इसको। और ये है नवरात्रि के लिए लहंगा। अब नवरात्रि के लिए तो नवरात्रि का ब्लॉग बनेगा, उसके लिए ये लहंगा मंगाया है हमने। पर मैं आगे भूल गई। और ये भी गाइस नवको है, चोली कुर्ता और लहंगा चोली, लहंगा चोली है। और गाइस ये दोनों कुर्ते हैं, पर कौन सा किसके साथ अच्छा लगेगा वो पहनने के बाद पता चलेगा। मजा आया गाइस, मैं इसको फर्स्ट नंबर पे पहनूंगी। और इसके बारे में एक बात बताऊं, इसके बारे में क्या, मैं खुद के बारे में एक बात बताऊं कि मैं इतनी बड़ी वाली फैलो हूँ कि 14 दिन के ये आए हुए हैं और मैंने इनको अभी तक सिलवाया नहीं है। मतलब मैं कितनी महान हूँ। हम अपने लहंगे को आज ऐसी से पहनेंगे, मतलब कि शॉर्टकट तरीके से। What? इंडियन जुगाड़ है भाई, इंडियन जुगाड़। दिखने में ऐसा आता मोबाइल पे और आया ऐसा है। लहंगा का मुझे लगा कि बहुत ज्यादा घेर वाला होगा, पर ये बहुत ज्यादा थिन है क्योंकि इसकी सिर्फ 2 लेयर हैं, तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। पर जो बंदा है मतलब बंदा तो पहनेगा नहीं, सॉरी, जो बंदी जल्दी कपड़े रिजेक्ट करते हैं उनके लिए ये फाइन है, लेकिन जो चलाना चाहती है कम से कम 6-7 महीने रखे रहे मेरी तरह, वो इसको ना ले।
आ तो गया ये, चल फोटो शूट ही कर। ये अच्छा है क्या? मेरे पैर दुख रहे हैं। हाँ जल्दी कर। ओ मेरी गर्दन, ओ इतनी देर में कौन शकल ऐसी है कि गंदा से गंदा फोटो भी अच्छा लगने लगे। कौन ऐसी गलत फहमी में जलवा रहा है? अबे बेटी क्या है? वेरी गुड। अबे सूट नहीं करना क्या भाई? सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सेकंड ड्रेस कौन पहनेगा? नहीं अब नहीं कर रही मैं, थक गई हूँ। बस कल करेंगे शूट, कौन सा पता चल रहा है किसी को? बस हवा निकल गई। बेटा तुझे एक कैसी लग रही हूँ मैं? आई थिंक आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा होगा। नहीं कि मैंने इसे पहले जो ट्राई किया था, मतलब डार्क के साथ लाइट, लाइट के साथ डार्क, वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लाइट के साथ लाइट, क्यूट एंड सिंपल। एंड माई मुझको कोई आइडिया नहीं है कि कुर्ती वगैरह में कैसे फोटो शूट कराते हैं, तो मैं आइडिया ले रही हूँ थोड़े बहुत, वरना मेरे को वो थ्री जो पोज आते हैं बस मैं वो ही करती हूँ। आपको तो याद ही होंगे। नहीं गाइस मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ, आ जाओ। देखो हमारे यहाँ कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं। ये जहाँ पर जहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं वहाँ पे टमाटर लगे थे, तो उसकी जड़ हमारे घर पे आ गई और हमारे यहाँ प्यारे प्यारे गलती से लाल लाल टमाटर लग गए। सो गाइस ये है मेरा सबसे पुराना लहंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेचारा पुराना है तो इसका यूज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसको आज मैं जो मेरी व्हाइट वाली साड़ी, मम्मी वाली साड़ी थी ना, उसके नीचे पहनूंगी। अच्छा? हाँ क्यों? क्योंकि घेर के लिए। ये भी बेचारा गालियां देता होगा, बोलता होगा अबे साले ये मेरे को बख्श दे थोड़ा बहुत। सो गाइस मैं लहंगा पहन रही हूँ। वेरी गुड। ये मैंने टेक्निक इंस्टाग्राम पे देखी थी, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्यों नहीं? साड़ी सुपर है, मुझे तो पता ही नहीं था। देखी थी वैसी साड़ी है, माइंड ब्लोइंग। ऐसी लग रही हूँ, लहंगा तो अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे पे कैसा लग रहा है मुझे पता है, माइंड ब्लोइंग लग रहा होगा। अच्छा मेरा मांग टीका है वो भी नवरात्रि के लिए था, लेकिन मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि लहंगा के साथ मांग टीका का होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये मेरा जो टॉप है यार, क्योंकि ब्लाउज मम्मी के साइज का आया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा ही ढीला हो रहा था। इसीलिए मैंने नहीं पहना, तो मेरे पास नीला टॉप था तो मैंने उसको पहन लिया। Oh my God! Wow! इतनी सुंदर लगूंगा मैं फोटो ना खींचू। खुशी फोटो खींचो हमारे। इतनी गर्मी है, दो मिनट भी पंखे के बिना नहीं रह जाता। अच्छा इतना हैवी। ये वाला अच्छा फोटो है ना खुशी? हाँ पर वो जॉर्डन वाला ज्यादा अच्छा है। अच्छा ये वाला? हाँ ये ठीक है, ये इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर देख के भीख मांग रही हूँ। सो गाइस मैं भैया का स्टेटस देख रही हूँ, भैया ने स्टेटस में डाला है कोई कहीं बिजी नहीं होता है, सब इम्पोर्टेंस का खेल है, करेक्ट है ना? तो गाइस इसे तो छोड़ो, आई नीड एनर्जी, मुझको केला खाना है। गाइस मैं आपको जादू करके दिखा रही हूँ, ठीक है? केला आ जा, केला अरे आ, अरे वाह दो दो के लिए आ गए, अरे इतने बड़े हैं यार, इतना गंदा जोक मारा, छी है ऐसे बंद कर दो उसको। सो गाइस ये वाला गेटअप तो बेकार लग रहा है,
मतलब येलो से भी बेकार लग रहा है ये तो। ये नॉर्मल टी शर्ट वगैरह पर शायद अच्छा लगेगा, तो मैं एक काम करती हूँ इसके नीचे ब्लैक जींस पहन लेती हूँ तो शायद अच्छा लगे। और अच्छा सा जोक सुनाओ तुम्हें। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। अबे साले बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ब्राउन मुल्ले। गर्ल्स लेना है कितने आदमी थे। सो गाइस मेरे को तो ये जो बाली छोटी हो अच्छे से हो ही नहीं, बहुत बेकार लग रही है। मैं तो पता नहीं बेकार है। सो गाइस हमेशा की तरह मेरा पहला क्वेश्चन, कैसी लग रही है? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है यार, तो मैं अब डायरेक्ट फोटो शूट कर रही हूँ। क्लिक क्लिक, मेरे पास सारे पोज भी खत्म हो गए। वैसे एक बात बताओ, गब्बर सिंह के भी इतने बड़े बड़े बाल थे क्या? सो गाइस ये है मेरा लास्ट लुक, क्या बात कर रहे हो? और इसके बाद मेरी वीडियो खत्म। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने एक लहंगा नहीं पहना है क्योंकि वो आपके लिए सस्पेंस है, उसके लिए एक और वीडियो आएगी नवरात्रि के लिए। ओह माय गॉड, दिखा दूंगी तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए मैं नहीं पहनूंगी। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब बाय। और मैं जा रही हूँ घूमने, छुप 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 लगा रही। गाइस देखना इंस्टा रील बनाते समय मैंने कैसी नौटंकी दी है, जब मैं ज्यादा थक जाती हूँ ना तो ऐसी पागल पंती देती हूँ। सो जब मैं बाहर से लौटी तो क्या हुआ मेरे साथ? होली है।